रहीम मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वर्क जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आप प्यारे प्यारे से बच्चे हाथ में ये चीज़ उठाए खड़े हैं और ये पाकिस्तान का 11 सितंबर 1965 का दिन मना रहे हैं पाकिस्तान में ये दिन हर साल बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है और बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है कि हम अपने मुल्क की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं हम अपने मुल्क को किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं किस तरह कामयाब कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी वफा नभा सकते हैं और यह हमारे खून में शामिल होता है वतन से मोहब्बत जो फ़ितरती अमल है और कोई दुनिया में मैली आँख से पाकिस्तान की तरफ मुसलमानों की तरफ नहीं देख सकता क्योंकि अभी पाकिस्तानी कौम जिंदा है सलामत है तो ये हम अपने बच्चों को शाऊर देने के लिए स्कूल्स में ये इस तरह प्रोग्राम करते हैं इस तस्वीर में आप तो तो देख सकते हैं कि जहाज़ बनाए हुए हैं जो उड़ रहे हैं कायद अजम महमदली जना रतल आल और अलामा कबाल रहमतुल्ला अलैह की तस्वीर भी डोर पर आवेजा है साथ में स्टार बना के उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है सलामी पेश की जाती है और बच्चे अपने अहद करते हैं अपने वतन से अपने कौम से कि हम पाकिस्तान के अजीम सिपाही बनेंगे आर्मी ऑफिसर बनेंगे हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क को दुनिया भर में इज़्ज़तदार और रोशन करेंगे इस अहद के लिए ये सारा कुछ बनाया जाता है और बच्चे का ये वादा करते हैं बताते हैं कि अपने मुल्क से अगर मुल्क है तो हम हैं उन्नीस में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया 11 सितंबर उन्नीस को इंडिया आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और हमारी पाक आर्मी ने बड़ी बहादुरी और दिलराना दलेराना तरीके से अंदाज से उनका मुकाबला किया डट कर मुकाबला किया और उनके असले से लेज फौजी जंगी जहाज तोपे वगैरह सब मार गए उनको इतना डिफीट हुआ शिकस्त हुई और दुनिया में बता दिया कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल है क्योंकि उनके पीछे अल्लाह का हाथ है अल्लाह ताला की मदद है न सिर्फ मीन अल्लाई वफत न सिरमे नफतरीब नारे तकबीर अल्लाह अकबर जब भी मुसलमान उठता है तो वो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है ये कह कर वो निकलता है नारे हैदरी या अली और रा, रा जो रस्ता है वो बहादरी का अली मुर्तज़ा रजी तला का है तो फिर कामयाबी कैसे ना हो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के प्यारे साहबा कराम के रस्ते पर चले तो जब वो घर से निकलते हैं उनकी माएँ उनको अलविदा कहती हैं तो घर से वो कफन बांध कर निकलते हैं और आखिरी बार गुड बाय कहते हैं अपने माँ बाप को कि पता नहीं बाद में ज़िंदगी हो मिलें या ना मिलें अल्लाह हाफिज़ और अपने बच्चों को भी गुड बाय कहते हैं इस तरह की है पाकिस्तानी की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी कोई ट्रेनिंग की वजह से या किसी जदीद असलह की वजह से नहीं जीतती वो जीतती है अल्लाह पर ईमान और यकीन के साथ जब वो लड़ती है ईमान और यकीन के साथ लड़ती है और जिसके साथ अल्लाह हो तो उसको कोई और चाहिए नहीं और जिसको अल्लाह कामयाब करे उसको कोई हरा नहीं सकता और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मार नहीं सकता ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ

तू ए नकदी सौदा भी नहीं नही आप यकीन करेंगे कि हमारे शोहदा कराम जो अल्लाह की राह में अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से सलामी दी जाती है पाकिस्तान के परचम में लपेट कर उनको दफनाया जाता है और उनके माँ बाप जब उनकी बॉडी घर में आती है जनाजा घर में आता है तो वो शुक्र के ए, शुक्र अदा करते हैं उनके आँखों से आंसू तो बहते हैं लेकिन अल्फाज शुक्र अदा करते हैं बेशक वो बूढ़े माँ बाप हूँ बेशक वो कमज़ोर बीमार माँ बाप हूँ वो बच्चों को कहते हैं जीना है तो मर्दों की तरह और मरना है तो शहीदों की तरह अगर इंसान मर जाए अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता तो शहीद है और शहीद का रुतबा बहुत बढ़ है मरना तो बरहक है और अल्लाह की राह में मर जाए तो उस जैसी बात कोई नहीं होती और जो नेकी का काम करते रहे करते रहे और जिंदा रहे तो वो गाजी है वो गाजी है दोनों तरीके से कामयाबी है अल्लाह ताला सुरतफ़ात और नसर उमन ही वफ़त करीब का नुसरत देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ला वसलम को मक्के की फ़तह नसीब फरमाई ये जब ये नहम नारा लगाते हैं तो हमारे ईमान हमारे खून में एक गर्मी पैदा होती है जोश पैदा होता है हम फिर परवाह नहीं करते कि हमारे आगे हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमारे हम कमज़ोर हैं तो अल्लाह ताला गैब से हमारी मदद फरमाता है ये ईमान बिल यकीन है ये ईमान बिल यकीन है एक बार नबी पाक सल्ला तन तनहा एक दरख्त के साय में राम फरमा रहे थे और एक दुश्मन आ निकला वहाँ से उसने तलवार निकाल के रसुल्लासलम से पूछा कि तुम्हें मेरे हाथ से आज कौन बचाएगा रसुल्लाम ने फरमाया मेरा अल्लाह क्योंकि जब उस ने मेरा अल्लाह सुना तो उसके हाथ कांपने शुरू हो गए और उसकी तलवार जो है वो नीचे गिर पड़ी रसूल अल्लाह वसम ने वो तलवार उठाई और पूछा अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा उस आ, ए, ने कहा कि मेरे बेशक आप आलमीन हैं बेशक आप मुझे माफ़ कर सकते हैं आप मुझे बचा सकते हैं तो रसोल सल वसलम ने फरमाया कि जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया और वह बंदा उसी वक्त ईमान शहादत पढ़ गया अश हद अला व अश हद् महमद रसोल्ला जो शहदा होते हैं वो शहीद हो के भी ज़िंदा हैं अल्लाह ताला ने फ़रमाया है पाक के के जो, जो अल्लाह की राह में मर जाए तो उनको मुर्दा मत कहो ये अल्लाह ताला उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद करता अल्लाह फरमाता है उनको मुर्दा मत कहो वो जिंदा हैं और मैं उनको ग़ैब से रिजक देता हूँ मैं उनको रिजक देता हूँ तो इतना बड़ा रुतबा है और जो शहीद होते हैं वो सीधे जन्नत में जाते हैं ये ज़िंदगी टम्प्रेरी है यहाँ पर हमने चार दिन गुजार के तो जाना तो परमिनंट जिंदगी में है ना तो फिर वो रास्ता करें अब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनसे कोई भी सवाल पूछे बेटा आपने क्या बनना है तो बच्चों का जवाब होता है कि हमने आर्मी ऑफिसर बनना है हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बच्चे जो इतनी बड़ी बात कह गए हम माँ बाप हैं हम अपने बच्चों को किस तरह ये जाते हुए देखेंगे लेकिन ये उनका बच्चों का जज्बा है जुनूह है जिसकी वजह से वो बच्चे कहते हैं तो ये जब 1965 में जंग हुई तो फिर हमारे फौजी जवान जो थे वो ए, कैप्टन मनहास शहीद अजीज बट्टी शहीद सरवर शहीद इन सब ने बेशुमार्बानियाँ पेश कें और दिल जान से अपने मुल्क की हिफाजत की और जाम शहादत नसीब फरमाई जाम शहादत नसीब फरमाई ये पाकिस्तान के हीरोज हैं इन्होंने उन दुश्मन के जो जंग जहाज थे फौ फो, फौजी थे तोपे थे सब को मार गिराया और साबित कर दिया कि ईमान बिल बिलयक़ी कामयाबी की कुंजी है जो बंदा कलमा बरहला मोहम्मद रसोल्ला पर ईमान रखता है यकीन रखता है वो कामयाब हो जाता है तो इस जज्बे से वो जीते हैं जब 1965 में जंग मसलत की गई पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के फ़ौजी लड़े पाकिस्तान के फ़ौजियों की जो बीवियाँ थी, बच्चों थी उन्होंने पीछे तीमारदारी की जो पाकिस्तान के कसान थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए भरपूर रोल प्ले किया खंदगें खोदी और एक मुट्ठी हो गई जब भी पाकिस्तान पर कोई बताई है तो पाकिस्तान कौम एक है और जब आप एक मुठ्ठी होते हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता अल्लाह आपकी हिफाजत करता है यूनिटी में इतिहाद में बरकत है इसलिए कोई बंदा कोई मुल्क कोई कौम मुसलमानों से पाकिस्तानियों से जंग करने की या मैली नज़र से उनको देखने की ज़रूरत मत करें क्योंकि अभी कौम जिंदा है सलामत है ईमान है ये वो पाकिस्तान है जो जो अल्लाह ताला की रहमत से और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मार्ज़ वजूद में आया और लाखों करोड़ों लोगों ने इसके लिए शहादत दी और बड़े बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े पीर बडे बड़े उलियाकराम की जगह हैं और अल्लाह ताला की खास रहमत है इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद नारा तकबीर अल्लाह अकबर मेरे वन वन मेरे वतन मेरे, वतन, मेरे, वतन, मेरे करूँ मैं ऐसे। बहार कर बहार कर से बाहर तुझ पे कुर्बान कर दो बाहर तुझ पे कुर्बान कर दूँ खजा से तुझ को बचा के रखूं मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे कुर्बान कर दूँ मेरे वतन ये आकीदते और प्यार तुझ पे नसार कर दूं एक जान क्या हजार जान हो एक जान क्या हजार जान हो हज़ार तुझ पे नसार میرے मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तुझसे محبت करो मे तुझसे से मोहब्बत करूँ मैं से खजा से तुझको बचा के रखूँ बाहर तुझ पे कुर्बान कर दूँ मेरे वतन मेरे वतन इसके सवा मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है इसके सवा मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है एक जान क्या हजार जान हो हजार तुझ पे कुर्बान कर दूँ मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन ये अकीद थे और प्यार तुझ पे कुर्बान कर दूँ मेरे वतन मेरे वतन पाकिस्तान का मतलब क्या इल्लल्लाह इला पाकिस्तान का मतलब क्या ला इल्लल्लाह इला निज़ाम हुकूमत क्या होगा मोहम्मद रसूल अल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इल्लल्लाह निज़ाम हुकूमत क्या होगा दस्तूर कानून क्या होगा मोहम्मद अल्लाह बन के रहेगा पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन लब पे दुआ है दिल में लगन जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन लब पे दुआ है दिल में लगन पाक सर जमीन शाद बाद। केशवर हसीन शाद तू निशान अजमे आली शान पाकिस्तान मरिक जे यकीन शाद बाद। पाक सर ज़मीन का नजाम कुवते कुवते वाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदाता बिंदाबाद शाद बाद मंज़ले मराद तय जमान हाल जाने इस्तबाल सा खुद जुलजला पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यू के पसंद आता है तो मेरे चैनल देसी बीबी यू के को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन का बटन दबा दें और लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें मेहरबानी करके अगर मेरा आपको चैनल पसंद आता है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका जारिया है और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत तो फरमाए अमन चैन सुकूनता फ़रमाए हमारे सारी दुनिया को सारे मुसलमानों को अपनी हिफ्जों मांग एरा हक के शहीदो दो एरा के शहीदो वतन की मट्टी तुम्हें सलाम करती है ऐरा हक के शहीदो दो वतन के हीरो वतन के शहीदों दो हक के शहीदों वतन की मट्टी तुझे सलाम करती है एरा है हक के सपाही के वफा की राहे हक के शहीदों दो वफा की तस्वीर एरा हक के शहीदों दो वफा की तस्वीर वतन की मट तुझे सलाम करती है आने वाली नस्ल तेरे अजमत के गुण गाए आने वाली नस्ल तेरी अजमत के गुण गाए जब तक बाकी चांद सतारे रहे तब तक बाकी जहाँ रहे तब तक बाकी पाकिस्तान रहे सोहनी धरती सोहनी धरती अल्लाह रखे सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबा तुझे कदम कदम आबाद तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा जब तक बाकी जहान रहे तब तक बाकी पाकिस्तान रहे सोनी दरती सोनी दरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबा तुझे कदम कदम आबा तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा जब तक बाकी ये जहान रहे तब तक बाकी पाकिस्तान रहे दिल दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा, जा, जान जा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, जा, जा, पाकिस्तान बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवा बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवा दिल दिल पाकिस्तान जा, जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा, जा पाकिस्तान तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इसकी बुनियादों में तेरा लहू मेरा लहू इसकी बुनियादों में तेरा लहू मेरा लहू इससे तेरी पहचान है इससे मेरी पहचान है इससे तेरी पहचान है इससे मेरी पहचान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा